सुरेमन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहा जाता है उत्तर प्रदेश के एक गांव की पुरानी हवेली वाली यक्षिणी के पास ऐसा ताज है जिसमें अनेकों शक्तियां निहित हैं। अगर उस ताज को कोई भी धारण करेगा तो उसके भी यक्षिणी के समान शक्तियां और एक विशेष शक्ति मनचाहा वशीकरण करने की अनोखी ताकत मिल जाती है। प्राचीन काल से ही अनेकों मर्द और स्त्री इस ताज को हासिल करने के लिए अपनी जान तक बाजी लगा देते हैं, लेकिन आज तक किसी भी इंसानी प्रजाति को ये ताज हासिल नहीं हो सकता है। कहा जाता है एक जमाने में इस ताज की सुरक्षा का जिम्मा एक इमली नाम की कुमारी कन्या को दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि इमली बचपन से ही तांत्रिक विद्या कर विधि विधान में मन लगा के साधना किया करती थी। तभी से ये ताज उसी इमली नाम की यक्षिणी के पास ही रह गया है और वो इसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही कर लिया करती है। अगर उस हवेली में कोई भी इंसान प्रवेश करता है तो आज तक वापस नहीं लौटा है। अगर लौटती है तो उसकी चीख और पुकार ही हवेली के दरवाजे तक सुनाई देती है। कई साधु और तांत्रिक विद्या के जानकार इस हवेली में अंदर जाकर उसका पता लगाने की कोशिश करते ही रह गए, कभी वापस नहीं लौटे। एक दिन गांव के एक युवक को यक्षिणी ने सपना दिखाया कि वो हवेली में कल रात को सज धज के इंतजार करेगी। अगर वो युवक उस यक्षिणी के साथ संबंध बनाएगा और उसको संतुष्ट कर देगा तो वो उस ताज की कुछ शक्तियां भी दे देगी। युवक को ये सपना कोई साधारण सपने जैसा लगा और उसे भुला जाना चाहा। साथ ही उसे डर भी था कि अगर वो उस हवेली में गया उन सभी लोगों की तरह के इतिहास बन के ही रह जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। उस युवक ने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर उस यक्षिणी ने कुछ दिन बाद उसी युवक के दोस्त को सपने में यही बात कही जो कि भोलू को कही थी। इस बार सुधीर था। सुधीर भोलू से चपल और चालाक था। वो शहर में पढ़कर आया हुआ था। उसने प्रेत शक्तियों के बारे में पढ़ा था। उसे हल्का फुल्का उस बारे में ज्ञान भी था। जब से उसे यक्षिणी का सपना आया है तब से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो असमंजस की स्थिति में था। अगर अंदर गया तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। हो सकता है यक्षिणी सही में ऐसा चाहती हो। एक दिन भोलू से नहीं रहा गया। उसने अपने दोस्त को ये बात बता दी कि उसे यक्षिणी ने सपना दिया था। भोलू की बात सुनकर सुधीर के रोंगटे खड़े हो गए। सोचने लगा, मैंने तो इसे बताया ही नहीं तो फिर ये झूठ क्यों बोल रहा है। जब भोलू को सुधीर ने भी उसी सपने के बारे में बताया तो दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था। एक ही सपना दोनों को कैसे संभव था। लेकिन अब दोनों को यकीन हो चला था कि वास्तव में यक्षिणी कामोत्तेजक है। लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं है। आखिर हम इंसान हैं, वो यक्ष। दोनों ने मिलकर एक अघोरी तांत्रिक के पास जाने का विचार किया और उस तांत्रिक के जरिए वो यक्षिणी से जुड़ना चाहते थे। काफ़ी खोज करने के बाद उन्हें पता चला कि अघोरी तांत्रिक दूर पहाड़ों में या गुफाओं में मिलेगा। खोजते खोजते वो दोनों एक अघोरी तांत्रिक के पास पहुँचे और बहुत सेवा और सत्कार करने के बाद उन्होंने उस अघोरी को अपने सपने के बारे में बताया तो अघोरी ने अपनी दैवीय शक्तियों से पता किया। फिर उस अघोरी ने उन्हें बताया कि ये सपना सच है, लेकिन वो यक्षिणी कोई साधारण नहीं है। उसके स्पर्श मात्र से
शरीर गलन महसूस करने लगेगा। अगर कोई ऐसा फौलादी मर्द हो जो उस यक्षिणी के वज्र जैसे शरीर को सह सके, तो वास्तव में यक्षिणी उसे अपना सब कुछ सौंप सकती है, यहाँ तक अपना बहुमूल्य ताज भी। जब सुधीर ने यक्षिणी के ऐसा करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो यक्षिणी कालांतर से ताज की रक्षा कर रही है और अब वो अपने यौवन पर काबू नहीं पा रही है, उसे एक मर्द की जरूरत है। सुधीर और भोलू वापस अपने गांव चले आए और वहां आकर उन्होंने पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैला दी। अब गांव का हर एक मर्द, वो चाहे बूढ़ा हो या फिर जवान, सभी उस यक्षिणी के साथ संबंध बना लेना चाहते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हवेली में प्रवेश करे। भोलू और सुधीर के चले जाने के बाद जब अघोरी ने उस ताज और सुंदर कोमलंगों वाली यक्षिणी के बारे में सोचा तो उसके मन में भी लालच आ गया। उसने अपनी साधना के जरिए यक्षिणी के वास्तविक रूप के दर्शन और शक्तियों के बारे में पता लगा लिया। अब अघोरी ने आडंबर रचने और उस गांव के लोगों को भ्रमित कर खुद उस ताज और यक्षिणी को पाने की जिज्ञासा से उस गांव की ओर चल पड़ा। अगले ही दिन उसने गांव में पहुंचकर गांव के बाहर अपना डेरा जमाया और साधना और तांत्रिक विद्या का ढोंग करने लगा। लोग उसकी वेशभूषा और आडंबर देख उससे प्रभावित होने लगे थे। धीरे धीरे एक दो दिन में ही पूरे गांव में अपनी पहचान बना ली और गांव वालों को आश्वासन दिया वो इस गांव में गांव और उस हवेली को यक्षिणी से मुक्त करने के लिए आया है। गांव वाले पहले से इस समस्या का समाधान चाहते थे, क्योंकि गांव के हर एक इंसान की इच्छा यक्षिणी के ताज को पाने की थी। अघोरी ने अगले 15 दिन बाद का एक समय बताया। तब तक वो अपने तप और साधना के जरिए यक्षिणी को शक्तिविहीन करने का काम करेगा। वो साधना के लिए बैठेगा, तब तक गांव वालों को पूजा का सामान देते रहना पड़ेगा। गांव वाले उस अघोरी की बातों में आ गए, लेकिन उनके मन में कई सवाल आ रहे थे। क्या अघोरी बाबा ऐसा कर पाएगा? क्या यक्षिणी मंत्रों और इसकी तांत्रिक विद्या में फंस पाएगी, या फिर पहले की तरह ये भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा या पूरे गांव को घोर संकट में डाल देगा?